और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। राजकुमार भाटिया आप शांत रहिए, गौरव भाटिया आपकी बारी। पहली बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये न्यूज 18 और अमीश देवगन का कौन सा तरीका है कि विपक्ष के आप हमेशा तीन प्रवक्ता बुलाते हैं और आप सत्तारूढ़ से दो प्रवक्ता बुलाते हैं? तसीम रिमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है, तसीम रिमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। वो किस पे प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग? तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अभी तीन से लड़ रहे हैं आप लोग। आप एक एक अकेला सब पर भारी, हम तो दिखा देंगे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का सवाल है। मेरी निष्पक्षता है सर, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट सपा मुझे निष्पक्षता की सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नहीं बुला पाए बाकी, मैं देश की बात करता हूँ, आवाम की बात करता हूँ और उनके साथ खड़ा हुआ। अगर आप देश की बात करते हैं, सबसे पहले अमीश जी ये तय करिए अगली डिबेट में सत्तारूढ़ के बराबर के प्रवक्ता हो, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं उत्तर देता हूं सबकी बात का, और तय करेगी जनता पूरे देश की एक अकेला सब पर भारी है या नहीं है, और अमीश देवगन भी उसमें इंक्लूडेड है। सुनिए, अब अहंकार है, ये जनता तय करेगी। चुप हो जाइए, आप इतने अच्छे आदमी, सुनिए, अहंकार दिखा रहे हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, बड़ा शुरू करिए। रॉटन एप्पल बोल रहे थे, सड़ा सेब। भारत की राजनीति में भी एक सड़ा सेब है जो ये कहता है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दो और पाकिस्तान से बात कर लो। ये है लेफ्ट पार्टी, ये सड़ा सेब है जो भारतीय राजनीति को खराब कर रहा है। प्रेम की बात करें वो बुरा बीच नहीं। में नहीं, बीच में नहीं, नहीं, बीच में नहीं। प्रेम की बात, अब देखिए फिर आप समझ लीजिए। नहीं, नहीं, ये अगर अगर भाई रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, गलत बात है। सुनिए, अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे, आप अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो फिर मैं पूरे टाइम टोकूंगा, मुझे कोई दिक्कत मत, लेकिन क्रोध भी मत करो। क्रोध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर भारत के खिलाफ कोई बयान देगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो क्रोध तो छोड़ो, गला कटवाना होगा तो कटवा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। शांत, अब बीच में मत बोलिए, सुनिए, शांत शांत। हाँ बताते वो खा लेंगे, हाँ हाँ वो ठीक है, वो एक आदमी को ताली इसकी अच्छी लग रही है। मैं उत्तर दे सकता हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी, हम कश्मीर की बात कर रहे थे, फर्क क्या आया आपको मालूम है? आपको ढाई मिनट हो चुके हैं। नहीं, वो हो चुके, आपत्ति दर्ज करिए उस ढाई मिनट जी, ठीक है? ये सच है, ढाई मिनट में। और बिल्कुल आप सारे लोग बोल रहे हैं वो आपको नहीं, स्टार्ट होता ढाई मिनट में, तो अभी तो हत्ती लग रही है। देखिए ऐसा है, एक फटी टायर की पंचर साइकिल है, ढाई साल में भी स्टार्ट नहीं हो पाई, पैरों में दम नहीं है। हमें बताएंगे, हमें बताएंगे। नहीं, पर एक एक सुनिए, अब मुझे उत्तर देने दीजिए, चेक करना पड़ेगा। आपने बोला ये फटी हुई साइकिल, ये फटा हुआ टायर है, फटी हुई साइकिल ही बोला ना, लेकिन इसी फटी हुई साइकिल, इसी फटे हुए टायर ने आपको कितनी सीटें मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनको कितनी मिली है? 37 इनको, 32 इनको। टायर किसका फटा नहीं फटा आगे की बात करेंगे, मैंने फैक्ट बोला है। दर्द निकलना तो दर्द है, निकलना बोले कोई बात नहीं। 2017-2022 हारी क्या सरकार इन्होंने बनाई? 2024 में नहीं बनाई, 2024 में बात खत्म हो गई। हारेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया हमें। 2024 का विधान लोकसभा तो आप लोग हारे हैं ना, सॉरी 2024 का लोकसभा आप नहीं हारे। गौरव, अगर आप जीत में अड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, लेकिन 2024 ओके, राजकुमार भाटी की बारी है। भाई आप 24 का चुनाव हारे, आप हार गए हैं भाई 2024 का चुनाव, ये नई जानकारी आपको प्राप्त हो गई? नेशनल पार्टी न होते हुए 62 से 33 पे ले आए, अगर नेशनल पार्टी होते तो क्या हाल होता, ये अंदाज लगाओ। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हम यहाँ संवाद करने आते हैं, बकवाद करने नहीं आते। केवल संवाद करेंगे, विनम्र भाषा में करेंगे, शालीन भाषा में करेंगे। ज्यादा बकवास करते हैं, ये कुछ भी कहे मैं नहीं करूंगा। तीसरी बात, अभी तो थोड़ा सा ही झटका दिया है, अभी तो इब्तिदा ही इश्कर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो आगे पता चलेगा। गौरव भाटिया की बात है तो गौरव भाटिया देखिए, एक बात है कि अखिलेश जी ने तो सवाल इस पे भी खड़ा करा है कि आप लोग यादव समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर एक एनकाउंटर जो हुआ एक डकैत का, उसको लेकर। अच्छा, आप ये देखिए अखिलेश यादव खड़े कहां है आज, मोहित खान एक्यूज्ड रेप का, ठीक है, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट करा रहे हैं पीड़िता का। दूसरा, नवाब सिंह यादव है ना, सपा का लीडर, जिसका मैंने बयान नेत्री ने बचाव किया, जूही सिंह का बताया, कार्रवाई करी, सपा को चाहिए था लात मार के बाहर फेंक दे रेपिस्ट को, लेकिन भूल गए, ये गायत्री प्रजापति रेपिस्ट पार्टी है जिसको मंत्री बनाया था, हटाया 3 दिन के लिए और आधे मुख्यमंत्री ने दबाव में दोबारा बना लिया।
अब आपने मंगेश यादव की बात करी, आप ये बताओ कोई अगर अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, उसका महिमा मंडन ये करेंगे, मंत्री ये बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं बुलडोजर चलाएंगे और जेल भेजेंगे, और इसीलिए जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। और एक बात और बता दूं, तुष्टीकरण की राजनीति पे बात हो रही थी, अमीर जी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको मालूम है पीड़ित हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। जी 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 1800 परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया, वो 1800 के 1800 मुसलमान थे, और हमारी जो बहनें हैं उनके धर्म पे नहीं जाता, बलात्कार हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला, और एक एक्यूज था मौलाना नजीर, चार्टर्ड प्लेन गया अखिलेश यादव का, उसको लेके आया ओके, और मुख्यमंत्री पे बैठाया। देखिए पहले तो सिर्फ पहले तो ओवैसी धर्म की बात करते थे, सपा के कुछ नेता धर्म की बात करते थे, एनकाउंटर धर्म देख के होते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं जाति देख के होते हैं, क्यों इतना जातिवाद आप करना चाहते हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये गलत बयान है? दोनों तीनों सवालों के बहुत संक्षिप्त दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पहला सवाल उठा डीएनए टेस्ट को लेकर, डीएनए टेस्ट यूपी गवर्नमेंट ने कराया उस बेटी का, कानून की प्रक्रिया थी, तो अगर हमने मांग कर दी तो क्या गलत किया? डीएनए टेस्ट हुआ है और होता है ऐसे केसों में। दूसरी बात, इन्होंने कहा अखिलेश यादव अपराधियों को मंत्री बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे, और जिसमें दंगा, हत्या का प्रयास, लूट, रहा रोकना, रास्ता मेरे रोकना। प्रश्न का जवाब क्या है? सवाल उठे नहीं, मैं आता हूं उस विषय पे। जी जी, क्यों क्यों देखिए, हाँ एक जवाब और दे दूं खाली, नवाब यादव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सुब्रत पाठक का दायां हाथ था, चुनाव में पार्टी से बहुत पहले निकल गए, फोटो राहुल जी और अखिलेश के साथ है। अब मैं आता हूं आपके इस पे सवाल, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का की कार्यशैली देखें और सरकार की कार्यशैली देखें, पिछले 4 साल से लखनऊ में हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर परसों भी लाठी चली है, किसी को पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई, उनके पद लूटे गए, इसके लिए मैं आपसे जो प्रश्न, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हाईकोर्ट का आदेश है कि हां बेईमानी हुई है, भर्ती कैंसिल की जाए। क्यों हुई? जाति के आधार पर, जो सरकार जाति के आधार पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।